गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको रीट जो आगामी दिनों में होने वाली है उसमें सामाजिक विज्ञान के जो इतिहास टॉपिक है उससे संबंधित संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगी कि इतिहास से संबंधित कौन कौन से आपके टॉपिक हैं और इनसे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी। टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले पाठ्यक्रम की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको रीट की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताया था। आज बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ रीट जो आगामी दिनों में होने वाला है उसमें सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाला जो पोर्शन है उसमें से क्या आएगा। देखो बच्चों, इतिहास वाला जो पोर्शन है वो 20 नंबर का है। कितने नंबर का है? 20 अंकों का है। और पूरा जो सामाजिक विज्ञान वाला जो पेपर है 60 प्रश्न है और 60 नंबर का होगा, ठीक है बच्चों। और उसमें से भी जो 20 प्रश्न होंगे वो इतिहास से संबंधित होते हैं। तो इतिहास से संबंधित कौन कौन से टॉपिक आप सबको पढ़ने हैं और आज ही एक वाइट पेपर पर जो मैं वीडियो में आपको टॉपिक्स लिखवा रही हूँ उसको आप लिखे और अपनी टेबल के सामने उसको चिपका ले, ताकि डेली आपको इन टॉपिक्स में से एक एक टॉपिक्स को उठाना है और उनको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आप मेरे वीडियोस भी देखें, क्योंकि इतिहास से संबंधित समस्त वीडियो मैं आगामी दिनों में आपके सामने लाने वाली हूँ। और लाने के लिए आपको पता ही है क्या करना है आप सबको, मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आगामी दिनों में भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। तो इसमें सबसे जो इतिहास पाठ्यक्रम है उसमें पहला टॉपिक है बच्चों आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के कौन कौन से स्थल है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिले हैं, चंदूरों से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, तो संपूर्ण सभ्यता का अध्ययन हम आगामी वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जिसको हम ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं, वैदिक संस्कृति में दो सभ्यताएं आती है, एक ऋग्वैदिक संस्कृति और एक उत्तर वैदिक संस्कृति, उसके बारे में हम अध्ययन आगे के वीडियोस में करेंगे। तीसरा टॉपिक है भारतीय समाज की विशेषताओं में हम परिवार विवाह और लैंगिक संवेदनशीलता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है ग्रामीण जीवन और शहरीकरण। भारतीय समाज का आज ग्रामीण जीवन कैसा है और उसका किस तरीके से शहरीकरण होता जा रहा है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है मौर्य और गुप्त काल। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने समस्त भारत को एक छत्र करने में अपनी भूमिका निभाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद में आपका अशोक है, बिंदुसार है, ये जो शासक हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके राजनीतिक जीवन और उनके प्रशासन से संबंधित अध्ययन करेंगे। मौर्य काल में सांस्कृतिक रूप से भारत का क्या विकास हुआ, उनके पुरातात्विक स्थल कौन कौन से थे, इन सब का अध्ययन जो हम आगे के वीडियोस में करेंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इसके अलावा भी और कई हुए हैं, इसके अलावा रामगुप्त है, इसके अलावा समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, कुमार गुप्त है, स्कंद गुप्त है, इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आपको एक बार माइंड में ये रखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। इसके बाद गुप्तोत्तर काल के भी कुछ टॉपिक्स आपको देखने हैं और इस मौर्य काल में आपको राजनीतिक इतिहास को देखना है, प्रशासन को देखना है, भारतीय संस्कृति के प्रति उनके योगदान को देखना है और गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धि और बाहरी विश्व के साथ उन्होंने कैसे संपर्क रखे। जैसे मौर्य काल में मेगस्थनीज आया था, अशोक के काल में भी यूनानी राजदूत आए थे, सीरियन राजदूत भी आया, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाहरी विश्व के साथ मौर्य और गुप्त काल का क्या संबंध था, इन सब की चर्चा हम वीडियोज में करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता,
वैदिक सभ्यता, भारतीय समाज, मौर्य और गुप्तकाल, गुप्तकाल के बाद गुप्तोत्तर काल, गुप्तकाल का राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्तकाल की सांस्कृतिक उपलब्धि और बाहरी विश्व के साथ संबंध, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भक्ति व सूफी आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन हुए, हमारे भक्ति आंदोलनों में से आपके रामानुज संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, इन संप्रदायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और सूफी आंदोलन है, सूफी आंदोलन में भी आपने कई चिश्ती संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय है, ये जो सिलसिले हैं इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुगल राजपूत संबंध में आप महाराणा प्रताप, उदय सिंह, जितने भी मुगल और राज, जयपुर के कछुआ वंश, आपके मारवाड़ के राजपूत, आपके बीकानेर के राजपूत, आपके मेवाड़ के राजपूत, इन सब के बारे में अध्ययन हम इस मुगल राजपूत संबंध के माध्यम से करेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका महाराणा प्रताप। उसके बाद आता है बच्चों सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, देखेंगे कि मुगल काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेंजेज क्या क्या हुए, उन सब के बारे में हम वीडियोज में देखेंगे। इसके बाद है भारतीय राज्यों के प्रति विदेशों की जो नीतियां रही, विदेशी जो नीति रही, उन सब के बारे में, मतलब ब्रिटिश काल के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत हमारे मेरठ से मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई थी। तो मेरठ जो आपका बैरकपुर छावनी के जो आपके मंगल पांडे थे, वहां से क्रांति का शुभारंभ हुआ। लेकिन छावनी के तौर पर देखें तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ। इसकी डिटेल हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है 1857 की क्रांति भी आपके टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश जो शासन रहा, हमारे अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर जो शासन किया, उससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या असर हुआ, इन सब के बारे में भी हम वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद है पुनर्जागरण, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इससे हमारे भारत में कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां दूर हुई, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया, इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, ये कई ऐसी जो सामाजिक बुराइयां थी वो दूर हुई पुनर्जागरण से। और पुनर्जागरण का जनक भारत में कहा जाता है राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, कई ऐसे हमारे देश में ऐसे लोग हुए जिन्होंने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों में अपना योगदान दिया था। तो इन सब की डिटेल भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1919 और 1947 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो जो घटनाएं हुई, महात्मा गांधी की का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या क्या योगदान रहा, इसके अलावा भी कई ऐसे भारतीय राजनेता हुए जिनके कारण जो है हमारे देश को आजादी मिली, इन सभी राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब की डिटेल्स हम इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ये सारा आपका भारतीय इतिहास से संबंधित चैप्टर है बच्चों, लेकिन रीट में कुछ टॉपिक्स राजस्थान से संबंधित भी दिए हैं। तो राजस्थान से संबंधित किन कौन कौन से टॉपिक्स हमें रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से लाभदायक होंगे, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं बच्चों। राजस्थान की इतिहास और संस्कृति में से प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है हमने, कालीबंगा की सभ्यता है, गणेश्वर की सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता है, बेराट की सभ्यता है, इन सभ्यताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो जनपद हमारे यहाँ पर थे उस समय, जब 16 जनपद थे, उन 16 जनपदों में से भी राजस्थान के भी कुछ जनपद थे, तो उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, भील आंदोलन हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, प्रजामंडल, इन सब के बारे में स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे कि राजस्थान में आजादी से पहले जो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, तो उनका किस एक आपका क्या था, चीफ कमिश्नर एरिया था,
उन सब का एकीकरण राजस्थान में किस तरीके से हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके विरासत और संस्कृति में किले, महल, त्यौहार, मेले, राजस्थानी लोक कलाएं, हस्तकलाएं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य, पर्यटन, विरासत का संरक्षण, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इतिहास टॉपिक में आपके भारतीय इतिहास और आपका राजस्थान का इतिहास दोनों का तालमेल है, क्योंकि आप शिक्षाविद बनने जा रहे हो, तो शिक्षाविद होने के नाते आपको राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस तैयार किया गया है बच्चों। तो इतिहास से संबंधित जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनसे संबंधित जितना भी आपका टॉपिक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है आज, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम आगामी तैयारी करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा। मेरे जो बताए हुए बोर्ड पर जो नोट्स हैं, उन सबको आपको लिखना है। तो आप चाहते हैं कि आप रीट 2021 में जो होने वाली है उसके लिए तैयार रहे, सजग रहे, कड़ी मेहनत करे, तो आपको बच्चों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, 10 से 12 घंटे अध्ययन करना है। और आगे के वीडियोस में हमारा मेरा जो फर्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, वो आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम फर्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे, और धीरे 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 करके हम सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करवाऊंगी। इसी के साथ जो टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा, उसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगी, आपको सॉल्व करना है, स्वयं मूल्यांकन करना है कि मैं इसके माध्यम से जो है किस तरीके से आगामी रीट 2020 की तैयारी कर सकता हूँ। ये सब आपको इस सिलेबस के माध्यम से देखना है। तो रीट की जो आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम है इतिहास का, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आगे के वीडियोस में मैं आपको आगे के टॉपिक्स को क्लियर करवाऊंगी। तो देखते रहिए मेरे वीडियो, नव भारती स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।